वही धमतरी से अप्रैल माह ही में तेज गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी, जिससे नदी नाले और तालाब तेजी से सूख रहे हैं। ऐसे में धमतरी जिले में लोगों को निस्तारी की समस्या हो रही थी, जिसको देखते हुए जल संसाधन विभाग ने रुद्री बैराज से मुख्य नहर में 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। बता दें कि पानी 4 जिले धमतरी, रायपुर, बलौदाबाजार और बालोद जिला के लिए छोड़ा गया है। वही नहर के माध्यम से धमतरी जिले के 450 तालाबों में भरा जाएगा। दरअसल भीषण गर्मी पड़ने से लोगों को निस्तारी की समस्या हो रही थी। ऐसे में बांध से पानी छोड़ने की मांग लगातार लोगों के द्वारा की जा रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने बांध से पानी छोड़ने का फैसला लिया। जिला कलेक्टर का कहना है कि अभी 20 दिनों तक लगातार नहर के माध्यम से निस्तारी के लिए पानी चालू रहेगा, उसके बाद मांग के अनुसार दोबारा पानी छोड़ा जाएगा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। वर्तमान में सिंचाई विभाग के द्वारा सभी नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। कल दिनांक तक 3600 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया था और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 20 दिन में 453 तालाब जो निस्तारी के आइडेंटिफाइड है वो भर लेंगे और जहाँ जहाँ जल स्तर गिरा है उसका भी नाप कर ले रहे हैं ताकि पानी छोड़ने के बाद जो रिचार्ज होगा उसका भी नाप कर पाए। ये पानी धमतरी जिले के अलावा गुरूर और रायपुर जिले के लिए भी छोड़ा गया। ये पानी चलता रहेगा जब तक जो डिमांड है, जो 453 तालाबों को निस्तार के लिए भरना है, वो डिमांड फुलफिल नहीं हो जाए।